नमस्कार। आज हम स्वामी जी विवेकानंद के जीवन के तीन प्रेरक प्रसंगों के बारे में जानेंगे। पहला, लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े हुए कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लगे। ये देख लड़के दंग रह गए और उनसे पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी झुकोगे नहीं। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को ये करना सिखाया जाता है। दूसरा प्रश्न, डर का सामना। एक बार बनारस में स्वामी जी दुर्गा जी के मंदिर से निकल रहे थे कि वहीं मौजूद बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे उनके नजदीक आने लगे और डराने लगे। स्वामी जी भयभीत हो गए और खुद को बचाने के लिए दौड़कर भागने लगे, पर बंदर तो मानो पीछे ही पड़ गए और वे उन्हें दौड़ाने लगे। पास खड़ा एक वृद्ध सन्यासी ये सब देख रहा था। उसने स्वामी जी को रोका और बोला, रुको, उनका सामना करो। स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। ऐसा करते ही सभी बंदर भाग गए। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली और कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा भी, यदि तुम कभी किसी चीज से भयभीत हो तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। तीसरा प्रश्न, सच बोलने की हिम्मत। स्वामी विवेकानंद प्रारंभ से ही एक मेधावी छात्र थे और सभी उनके व्यक्तित्व और वाणी से प्रभावित रहते थे। जब वो साथी छात्रों से कुछ बताते तो सब मंत्रमुग्ध हो उन्हें सुनते। एक दिन इंटरवल के दौरान वो कक्षा में कुछ मित्रों को कहानी सुना रहे थे। सभी उनकी बातें सुनने में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब मास्टर जी कक्षा में आए और पढ़ाना शुरू कर दिया। मास्टर जी ने अभी पढ़ाना शुरू ही किया था कि उन्हें कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन बात कर रहा है? उन्होंने तेज आवाज में पूछा। सभी ने स्वामी जी और उनके साथ बैठे छात्रों की तरफ इशारा कर दिया। मास्टर जी तुरंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत उन छात्रों को बुलाया और पाठ से संबंधित एक प्रश्न पूछने लगे। जब कोई भी उत्तर न दे सका तब अंत में मास्टर जी ने स्वामी जी से भी वही प्रश्न किया, पर स्वामी जी तो मानो सब कुछ पहले से ही जानते थे। उन्होंने आसानी से उत्तर दे दिया। यह देख उन्हें यकीन हो गया कि स्वामी जी पाठ पर ध्यान दे रहे थे और बाकी छात्र बातचीत में लगे हुए थे। फिर क्या था, उन्होंने स्वामी जी को छोड़ सभी को बेंच पर खड़े होने की सजा दे दी। सभी छात्र एक एक कर बेंच पर खड़े होने लगे। स्वामी जी ने भी यही किया। तब मास्टर जी बोले, नरेंद्र तुम बैठ जाओ। नहीं सर, मुझे भी खड़ा होना होगा, क्योंकि वो मैं ही था जो इन छात्रों से बात कर रहा था, स्वामी जी ने आग्रह किया।